बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टेंशन और एडवर्ड्स मशीन। टेंशन असल में फोर्स का एक नाम है, एक ऐसा फोर्स जो एक थ्रेड या रोप या स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट पर लगाती है, एक ऐसा पुलिंग फोर्स जो एक स्ट्रिंग स्प्रिंग या थ्रेड या रोप एक ऑब्जेक्ट पर लगाती है उसको खींचने के लिए, उस फोर्स को हम टेंशन कहते हैं। अगर मेरे पास एक फिक्स्ड सपोर्ट है ये, और इस फिक्स्ड सपोर्ट से एक रोप सस्पेंडेड है और इस रोप के साथ एक मास अटैच्ड है, ये एक मास है इसके साथ अटैच्ड है, तो ये रोप इस मास पर एक फोर्स अप्लाई करती है ताकि ये मास नीचे न जाए, इसको ऊपर की जानिब ये खींचता है। तो ये फोर्स जो ये रोप लगाता है या स्ट्रिंग लगाता है, इस फोर्स को टेंशन कहते हैं। अब अगर मैं देखूं इस पर कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो इस मास पर दो फोर्सेस कम से कम इस वक्त मौजूद हैं, एक टेंशन है और एक को हम वेट कहते हैं। वेट के बारे में हमने पढ़ा है कि ये वो फोर्स है जिस फोर्स के जरिए ज़मीन अपनी तरफ हर एक बॉडी को खींचती है। हम यहाँ पर अभी कहेंगे कि ये टेंशन इस वेट के बराबर है, और टेंशन और वेट चूंकि बराबर हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इस पर नेट फोर्स ज़ीरो है, और नेट फोर्स जीरो होने की वजह से ये मास यहाँ पर स्टेबल है या एट रेस्ट है। मैं अगर इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि नेट फोर्स ऑन दिस मास इज इक्वल टू टेंशन माइनस वेट, जो कि इस वक्त जीरो न्यूटन के बराबर है। अगर ये मास ऊपर की जानिब जा रही है तो वहां पर हम कहेंगे कि टेंशन वेट से ज्यादा है, क्योंकि टेंशन जो कि एक फोर्स का नाम है, इसकी जानिब यह मास मूव कर रही होगी, तो हम कहेंगे कि यह टेंशन वेट से ज्यादा है। लेकिन अगर यह मास नीचे की तरफ जा रही है तो उस वक्त हम कहेंगे कि वेट टेंशन से ज्यादा है। तो उसके लिए फिर हम इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे कि एफ नेट इज इक्वल टू वेट माइनस टेंशन। ये उस वक्त हम लिखेंगे जब ये बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही होती है, और अगर ये ऊपर की जानिब मूव कर रही होती है तो हम लिखेंगे फिर टी माइनस डब्ल्यू, टेंशन माइनस वेट, उस वो फिर हम लिखेंगे। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये अपनी जगह पर स्टेटिक है, एड्रेस्ट है, तो फिर हम इन दोनों को आगे पीछे लिख सकते हैं और उसकी आंसर हमारे पास जीरो आएगी। तो जीरो न्यूटन फोर्स का मतलब है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है, जीरो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एट रेस्ट है, जो कि हमें ऑब्जर्वेशन से भी पता चलता है। अब इसी टेंशन की बुनियाद पर हम एक और इसकी एक एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, जिसको हम एडवर्ड्स मशीन कहते हैं। एडवर्ड्स मशीन एक ऐसे अरेंजमेंट का नाम है कि एक थ्रेड के साथ दोनों सिरों के जरिए, दोनों सिरों के साथ हम दो मासेस को अटैच कर लें और वो इस तरह से मूवमेंट करें कि वो वर्टिकली एक दूसरे के रिस्पेक्ट वो वर्टिकली मूव कर रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ये अगर एक पुली है और इस पर ये एक थ्रेड है, इस पुली से पास हो रही है, यहाँ पर एक मास अगर मैं अटैच कर लूँ मास वन, और यहाँ पर एक मास अटैच कर लूँ मास टू, तो क्योंकि ये दोनों वर्टिकली या ऊपर या नीचे मूव कर रहे हैं और ये एक पुली के ऊपर हैं, तो ये वर्टिकली हैं, तो हम कहते हैं ऐसे अरेंजमेंट को एडवर्ड्स मशीन। एडवर्ड्स मशीन हमारे पास बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होती है। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है
किसी प्लाजा में, किसी हॉस्पिटल में, किसी भी बिल्डिंग में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो लिफ्ट हम कहते हैं या एलिवेटर उसको कहते हैं, तो वो एडवर्ड्स मशीन ही के प्रिंसिपल पर काम करती है। तो अभी हमने एडवर्ड्स मशीन को डिटेल में पढ़ना है कि एडवर्ड मशीन के लिए स्ट्रिंग किस किस्म की इस्तेमाल की जाए और वो स्ट्रिंग कितनी टेंशन प्रोड्यूस कर सकती है या एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, उसके लिए हम इक्वेशंस फाइंड करेंगे। अभी मैं एडवर्ड्स मशीन को सॉल्व करने के लिए इसका डायग्राम बना रहा हूँ। ये मेरे पास एक पुली है, आइडियल पुली। आइडियल पुली उस पुली को कहते हैं जिसकी फ्रिक्शन भी जीरो हो और उसकी मास भी जीरो हो। हकीकत में तो हमारे पास आइडियल पुली नहीं होती, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसकी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम हो और उसकी मास भी बहुत ज़्यादा कम हो। तो ये अगर एक पुली है और उसके ऊपर एक स्ट्रिंग या रोप को मैं पास करूं, तो इन दो सेलों के साथ मैं ऐसे मासेस अटैच करूंगा जिनमें एक की मास दूसरे की मास से थोड़ी सी ज़्यादा हो। मैं यहाँ पर एक मास अटैच कर रहा हूँ, इसको मैं नाम दे दूंगा मास वन, और दूसरे सिरे के साथ भी एक मास अटैच कर लूंगा जिसको मैं नाम दे दूंगा मास टू के। अभी जैसे कि डायग्राम से जाहिर है, मैंने एक मास जो कि M2 है उसको मास वन से थोड़ा सा कम रखा है ताकि ये एक साइड पर मूव हो, दोनों एक जगह पर रुके नहीं। इस मास पर कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर वही दो फोर्सेस हैं जो थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया। एक टेंशन है जो कि ऊपर की जानब है और ये स्ट्रिंग उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। यहां पर भी वही टेंशन है क्योंकि रोप तो एक ही है, तो टेंशन इसीलिए दोनों साइड्स पर एक ही होगी। ये मास थोड़ा सा दूसरे मास से M2 से ज्यादा है, तो इसलिए यहां पर इस मास की वेट ज्यादा होगी। ये जमीन की तरफ चलना शुरू करेगा जिसको हम वेट कहते हैं। ये मास वन है, तो ये यहां पर भी दो फोर्सेस हैं, एक टेंशन और एक इसका वेट जो कि नीचे की जानिब है, वेट टू। अगर हम इसको ऑब्जर्व कर लें तो ये नीचे की जानिब जा रहा है और ये ऊपर की जानिब जा रहा है, तो हम कहेंगे कि यहां पर वेट टेंशन से ज्यादा है। वेट टेंशन से ज्यादा है इसलिए ये वेट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके मुकाबले में इस मास को अगर हम देख लें तो यहाँ पर टेंशन वेट से ज्यादा है क्योंकि ये टेंशन की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब मैंने इस पर नेट फोर्स मालूम करना है कि नेट फोर्स M1 पर कितना है। F नेट वन, क्योंकि मास वन के लिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो F नेट वन इज इक्वल टू, इसको हम देख लेंगे यहां पर ज्यादा फोर्स कौन सा है, तो वेट ज्यादा है और टेंशन कम है इसलिए हम वेट से टेंशन को माइनस करेंगे। W1 माइनस टेंशन, अभी वेट हमने पढ़ा हुआ है कि वेट का फॉर्मूला W इज इक्वल टू mg है, इसलिए यहां पर वेट की जगह में W की जगह में mg पुट कर लूंगा, तो ये हो जाएगा F नेट इज इक्वल टू mg माइनस टेंशन। ये मास वन है, वेट वन है, तो यहां पर मैं मास वन लिख लूंगा। और यहां पर भी हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम ए, तो यहां पर मैं एम ए लिखूंगा। ये मास वन के लिए है तो मैं इसकी जगह पर भी M1 लिख दूंगा, तो इसको मैं इक्वेशन वन का नाम दे दूंगा। अच्छा, इसके बाद इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर लेते हैं। अभी मैं टेंशन के लिए इसको सॉल्व कर रहा हूं कि टेंशन एक साइड पर हमारे पास आ जाए, तो इसको मैं इस साइड पर अगर शिफ्ट कर लूं तो ये इस तरह से हो जाएगा कि एम वन ए इज इक्वल टू एम वन ए, ये इस साइड पे शिफ्ट हो गया तो ये माइनस हो गया, M1G इज इक्वल टू माइनस
टेंशन। अब यहां पर माइनस आ रहा है तो दोनों साइड्स के साथ हम माइनस अगर मल्टीप्लाई कर लें तो इससे ये आ जाएगा कि टेंशन इज इक्वल टू, इसके साथ अगर माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो ये इस तरह से हो जाएगा कि माइनस एम वन ए, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो ये प्लस एम वन जी, ये इस तरह से आ गया। और इन दोनों को हम रीअरेंज करेंगे तो टेंशन इज इक्वल टू ये आगे और ये पीछे हो जाएगा एम वन जी, और ये माइनस वाला पीछे हो जाएगा एम वन ए। ये टेंशन के लिए एक इक्वेशन होगी, ये सिर्फ इस बॉडी के लिए। दूसरी बॉडी के लिए हम अभी लिखेंगे कि इस पर नेट फोर्स कितना है। तो फोर्स नेट, नेट फोर्स ऑन मास नंबर टू, यहां पर अब हम टू लिखेंगे, इज इक्वल टू, यहां पर देखें कौन सा फोर्स ज्यादा है, ये ऊपर की जानिब मूव कर रहा है तो टेंशन की फोर्स ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है और वेट कम है, तो हम लिखेंगे कि टेंशन माइनस डब्ल्यू टू। एफ नेट टू इज इक्वल टू टेंशन माइनस डब्ल्यू टू। अब डब्ल्यू टू की जगह पर हम लिखेंगे एम जी, और एम कौन सा लिखेंगे, एम टू। एफ नेट टू इज इक्वल टू टेंशन माइनस, इसकी जगह हम एम टू जी लिखेंगे, और एफ की जगह, एफ नेट की जगह हम लिखेंगे के एफ इज इक्वल टू एम ए, और ये टू है तो ये इस तरह हो जाएगा कि एम टू ए। इसको भी हम टेंशन के लिए सॉल्व करेंगे, तो टेंशन के लिए अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो इसको मैं दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लूंगा, तो ये हो जाएगा एम टू ए, ये इस साइड पे आ गया तो ये प्लस एम टू जी इज इक्वल टू टेंशन, और टेंशन इज इक्वल टू एम टू ए प्लस एम टू जी। ये हमारे पास दूसरे मास पर नेट फोर्स के लिए, नेट फोर्स के लिए इक्वेशन हो। अब ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गए हैं, एक साइड पर देखें लेफ्ट हैंड साइड पर टी है और दूसरे इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड पर टी है, तो हम नेक्स्ट स्टेप के लिए इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और टू को अगर हम कंपेयर कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो हम लिखेंगे कि राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसको हम इसके इक्विलिटी में लिखेंगे। तो एम वन जी माइनस एम वन ए इज इक्वल टू एम टू ए प्लस एम टू जी। अब इस इक्वेशन में अगर मैं देख लूं तो यहां पर जी है और यहां पर जी है, तो दोनों जी वाले साइड्स को मैं एक साइड पे करूंगा, और यहां पर ए है और यहां पर भी ए है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन वाले साइड्स को मैं एक साइड पे कर लूंगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाले साइड्स को मैं दूसरे साइड्स का साइड पर कर लूंगा। तो यहां पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये साइड में वहां पर शिफ्ट कर रहा हूं, तो यहां पर हमारे पास क्या रह जाएगा एम वन जी, इसको मैं उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं, और इसको मैं उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं, तो यहां पर एम टू जी है तो, और ये प्लस में है तो ये इस साइड पर माइनस में आ जाएगा एम टू जी, इक्वेलिटी अपनी जगह पर, और एम टू ए और ये भी उस साइड पे शिफ्ट हो गया है जो कि एम वन ए है और माइनस के साथ है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एम वन ए प्लस एम टू ए। अब यहां पर हम जी को कॉमन कर सकते हैं, जी दोनों में कॉमन है तो हम
इसको इस तरह से लिखेंगे कि m1 माइनस m2 और g यहाँ पर कॉमन हो गई है। इक्वलिटी अपनी जगह पर दोनों साइड दोनों टर्म्स के साथ यहाँ पर भी a है तो a को हम कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 m2 a। अब मैंने a को इस इक्वेशन से डिराइव करना है तो a को हम कैसे डिराइव करेंगे, a से m1 और m2 को खत्म करना है तो मैं नेक्स्ट स्टेप का क्या करूंगा, इसको दोनों साइड्स इसी टर्म पे दोनों साइड्स को मैं डिवाइड करूंगा तो यहां पर यह हो जाएगा डिवाइड बोथ साइड्स बाय m1 प्लस m2। इस पे इस साइड को भी डिवाइड कर लें और इस पर इसको भी डिवाइड कर लें तो ये अपनी जगह पर और ये डिवाइड हो रहा है m1 प्लस m2, ये इक्वल अपनी जगह पर आ गया है, ये पूरा टर्म अपनी जगह पर आ जाएगा और इस पर इसको भी डिवाइड कर लेंगे। m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2 ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस हो जाएंगे, यहां पर सिर्फ a रह गया तो a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 टाइम्स g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन हमें मालूम है और यहां पर ये दो इक्वेशन भी हमें मालूम है तो अगर किसी भी इक्वेशन में हम a की वैल्यू को पुट कर लें तो इससे हमारे पास ये टेंशन की वैल्यू आ सकती है तो यहां पर हम अभी इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करेंगे। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे जो कि हमने थोड़ी देर पहले उसको डिराइव किया था, इस एक में यहां पर पुट करूंगा तो ये इक्वेशन अपनी जगह पर आ जाएगा इज इक्वल टू एम टू और ए की जगह पर ए की वैल्यू हम लगाएंगे, ये सारा हमें यहां पर पुट कर रहा हूं तो ए की जगह पर एम वन माइनस एम टू एम टू जी डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, ये सारा मैंने इसकी जगह पर पुट किया। अब ये प्लस अपनी जगह पर और एम टू जी अपनी जगह पर आ गया है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, t इज इक्वल टू एम वन एम और g, इससे ये m2 है m2 और g, इसको अगर मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा और m2 g को मैं m2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो जब ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हो जाएगा m1 m2 g माइनस m2 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 स्क्वायर ये हो गया और g इसके साथ मल्टीप्लाई में है और ये अपनी जगह पर उसी तरह आ जाएगा और ये प्लस अपनी जगह पर m2 g अपनी जगह पर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए हम LCM ले लेंगे, LCM taking LCM, LCM लेंगे हम तो इसके नीचे अगर मैं देखूं तो इसके नीचे एक है वन है तो इसका LCM मेरे पास m1 और m2 आ जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा कि t is equal to ये LCM हो गया ये पूरा टर्म अपनी जगह पर आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे वही है m1 m2 g माइनस m2 स्क्वायर g प्लस अपनी जगह पर। अब यहां पर देखें इसके नीचे चूंकि मैंने बताया कि यहां पर 1 है तो इसको मैं अगर 1 पे डिवाइड कर लूं तो ये टर्म मेरे पास आ जाता है
तो फिर जो आंसर आ रहा है जो ये है, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो m2g और m1 m2g यहां पर हो जाएगा, ये m1 m2g प्लस m2g और m2 इनको मल्टीप्लाई कर लें तो m2 स्क्वायर g हो गया है। अब देखिए इसमें सिंपलीफिकेशन के लिए हमारे पास दो टर्म मौजूद हैं, m2 स्क्वायर और m2 स्क्वायर, और g दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है और एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों क्रॉस हो जाएंगे। ये दोनों क्रॉस हो गए तो इन टर्म्स को आप देखें m1 m2g और इसको देखें m1 m2g, तो और ये इनके दरमियान प्लस है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 2m1 m2g, ये 2 हो जाएंगे, तो t इज इक्वल टू ये 2 हो गए हैं m1 m2g, और नीचे देखिए क्या बाकी है m1 प्लस m2, और ये हमारा आंसर है। इसको हम सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं, अगर इसकी फॉर्म अगर थोड़ा सा आप इसको चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2m1 m2 into g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। कुछ लोग इस तरह भी लिख लेते हैं, कुछ इसका फॉर्म और भी तब्दील कर लेते हैं, लेकिन बेसिक हमारा आंसर वही है जो कि टेंशन के लिए है। इसके जरिए हम मालूम करेंगे कि ये रो उन दोनों बॉडीज पर कितना टेंशन अप्लाई करता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, अगर कोई मसला है तो आप पूछने में कोई दिक्कत महसूस ना करें, आप उसको डायरेक्ट पूछ लें। थैंक यू।